नारी को चाहिए कि पति का सम्मान करे, पति के चरणों की से। जो नारी अपने पति के चरण दबाती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसलिए आप अपने, अच्छा कई बार ना आजकल क्या होता है, पति पत्नी के रिश्ते बड़े कमजोर हो गए हैं। पत्नी आई पढ़ी लिखी, पति भी पढ़ा लिखा, पत्नी भी 50,000 रुपये महीना कमाती है, पति भी 50,000। एक दिन पति ने कहा, सुनो जरा यहाँ आओ, जरा ये देखो तुमने ये गलती की, ये किया। अब कुछ उसको कह दिया उसके पति ने कि तुमने ये गलत किया है, ये ठीक कर लो, ऐसा कर लो। वो गुस्सा हो गई, ज़्यादा उपदेश मत दिया करो हमें, हम भी कम पढ़ी लिखी नहीं है, तुमसे ज़्यादा कमाती हैं। अरे भाई, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, बात बुरी नहीं है, पर पत्नियां कमा कमा करके यदि ये कहने लग जाएं कि हम कमा रही हैं तो क्या होगा, तो क्या आपके रिश्ते चल पाएंगे? हाँ, दोनों कमाएं अच्छी बातें हैं, पर दोनों अपनी अपनी कमाई की एक दूसरे को अकड़ ना दिखाएं। कमाओ अच्छी बात है, अकड़ थोड़ी दिखानी है। रिश्तों में अकड़ ना हो, रिश्तों में अहंकार ना हो। पत्नी सोचती है मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, पति सोचता है मैं तो उससे बड़ा हूँ। ना, तुम दोनों में से कोई बड़ा छोटा नहीं है। साइकिल में दो पहिए हैं, अब आप ही बता दो कौन सा जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। यदि आगे वाले पहिए की जरूरत है तो पीछे वाले की भी उतनी ही जरूरत है, और पीछे वाले की जरूरत है तो आगे वाले की भी उतनी ही। कोई 49 नहीं है और कोई 51 नहीं है, दोनों 50-50 हैं, बराबर बराबर। तो पति और पत्नी जीवन में जब बराबर का काम करते हैं और बराबर का सम्मान पाते हैं तो वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, वो गाड़ी बहुत लंबी जाती है। जिनके घर में जो पत्नी अपने पति का सम्मान करती है और जो पति अपनी पत्नी का आदर करता है। कई बार पुरुष पत्नी को कहता है कि सुनो, हम तो बाहर जाके कमाते हैं, तुम तो घर पे पड़ी रहती हो, कोई काम तो करती नहीं हो, बस बना के खिला देती हो, बस वो कहती रहती हो दिन भर काम करते। तो पुरुष लोग ना पत्नियों को ताने मारते हैं कि हम तो कमाते हैं, तुम तो घर पे पड़ी रहती हो, घर का ही काम करती हो। ना साहब, जरा एक बार तुम घर का काम करके देख लो। जितना आवश्यक बाहर का काम करना है उतना ही आवश्यक घर का काम करना है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप बड़े हो गए क्योंकि आप तो पैसा कमाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि पत्नी छोटी होगी क्योंकि वो घर की दाल रोटी बना रही है। ना, बाहर का काम यदि आवश्यक है तो घर के काम भी आवश्यक है। हाँ, आपके घर पे कोई आएगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा साहब आपके बैंक में बैलेंस कितना है। जब कोई आएगा तो वो आपके घर आकर, जब आएगा तो आपकी पत्नी उसे पानी पिलाएगी, चाय पिलाएगी, भोजन कराएगी। वो जाएगा तो कहेगा, वाह, हम फलाने के घर गए थे, बड़ा सम्मान मिला हमें, बड़ा आदर मिला हमें। और ये आदर सम्मान बिना पत्नी के आप पुरुष कभी किसी को दे नहीं सकते। यदि आप किसी का आदर सम्मान घर पर करते हैं तो उसमें सहभागी आपकी पत्नी बराबर की होती है। आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, चलो माना कि हम आपके घर पर आए, पुरुषों के घर हम आपके घर आ गए, तो क्या आप हमें चाय बना के तुरंत दे देंगे, पानी दे देंगे, कुछ नाश्ता आप करा देंगे? अरे भाई, कुछ तैयारी आप करेंगे तो कुछ तैयारी आपकी पत्नी करेगी, अर्धांगनी करेगी। तो आप दोनों बराबर हैं, एक दूसरे की जरूरत दोनों को है। पति मोबाइल सेट है तो पत्नी सिम कार्ड है, दोनों की आवश्यकता, अकेला मोबाइल क्या करेगा और अकेली सिम क्या कर लेगी? तो पति तो मोबाइल है और पत्नी सिम कार्ड है, सिम है। जैसे मोबाइल के भीतर सिम होती है, ऐसे घर परिवार के भीतर ही तो नारी होती है। हाँ, बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। यदि हम भारत के लोग ये थोड़ी सी समझदारी रखें, पत्नी और पति थोड़े से समझदार हो जाएं, पति पत्नी का आदर करने लग जाए और पत्नी अपने पति का सम्मान करने लग जाए, तो फिर जो आपका घर है वो घर नहीं रह जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। यही तो स्वर्ग है,
जहाँ अधिक प्रेम है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ प्रेम है पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, अरे भाई राम का कितना प्रेम था सीता से कि रावण से पंगा ले लिया, समुद्र में पुल बना दिया। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है, ना साहब प्रेम की निशानी नहीं है, प्रेम की निशानी तो राम सेतु है, जो राम ने सीता की प्राप्ति के लिए समुद्र में सेतु बना दिया। और सीता के सिवा राम ने कभी पराई नारी को नजर उठाकर नहीं देखा। तो ये पति पति व्रता नारी यद होती है तो पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। नारी पति से प्रेम करे, पुरुष नारी से प्रेम करे, और फिर इसी प्रेम से आप अपने घर को स्वर्ग बना लें। ये थोड़ी सी समझदारी आ जाए। कई बार ना छोटी छोटी बातों में पति पत्नी का झगड़ा हो जाता। एक बार हमने देखा, एक 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 चर्चा हम तक पहुंची, बोले एक बार ना पति न्यूज देख रहा था टीवी पर, तभी पत्नी का सीरियल आने का टाइम था। अब पत्नी बोली जरा रिमोट हमें दे दो। पति बोला ना ना हम न्यूज देख रहे हैं। पत्नी बोली आप तो दिन भर देखते रहते हैं। पति बोला तू तो दिन भर घर में रहती है, दिन भर टीवी देखती रहती है। पत्नी बोली मेरा सीरियल दिन भर थोड़ी आता है, समय पर आता है। अब लो भैया टीवी एक, रिमोट एक, और देखने वाले दो, अब तो झगड़ा होगा, माथा फोड़ी होगी, अब लड़ो आप। ये समाधान नहीं है। कभी कभी क्या करना चाहिए कि पत्नी, कभी कभी पत्नी को अपनी इच्छाओं का त्याग करके पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। कभी कभी पत्नी अपनी इच्छाओं का त्याग करे और पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए। तो कभी कभी पति को चाहिए कि वो भी अपनी इच्छाओं का त्याग करे और पत्नी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। अरे भाई पत्नी कह रही है कि हमें सीरियल देखना है, कोई बात नहीं, आप भी पत्नी के संग देख लो, तब तक आप दूसरा काम कर लो। कम से कम किसी भी बहाने अपने घर के होने वाले झगड़ों को बचाइए। भाई रास्ते में जब गड्ढा मिलता है आपको, तो गड्ढों पे आप पांव तो रखते नहीं है, छलांग लगा के पार होते हैं कि नहीं? आपके जीवन में भी जहां जहां आपको गड्ढा नजर आए, जहां जहां झगड़े की संभावना नजर आए, वहां से छलांग लगा के जल्दी आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि वो झगड़ा उत्पन्न ना हो सके, वो झगड़ा बड़ा रूप ना ले सके। ये पति और पत्नी की समझदारी का सब्जेक्ट है। इन दोनों की समझदारी से ही घर स्वर्ग बन सकता है, अन्यथा स्वयं भगवान आ जाएं और कहें कि स्वर्ग बन जाएगा, तो नहीं बन सकेगा। जहां प्रेम है, जहां एकता है, जहां समर्पण है, पत्नी पति में समर्पण करे, पति कहे कि तू मेरी तो मैं तेरा, बस। और ये दोनों पति पति पत्नी मिलकर दोनों भगवान से मन लगाएं। एक दिन हम यमुना जी गए और यमुना जी में हमने देखा कि पति पत्नी, हमने फेसबुक पेज पर वो शेयर भी किया था आप सभी को, दो पति पत्नी, पति और पत्नी दोनों बढ़िया युवा थे, 30-35 वर्ष की उम्र रही होगी पति पत्नी की। दोनों पत्नी बढ़िया ढोलक लेके बैठी और पति बढ़िया हारमोनियम लेके बैठा, और यमुना के पावन तट पर हरे राम हरे राम 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 हरे दोनों जाप कर रहे हैं, दोनों बढ़िया संगीतबद्ध। तो गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी यदि दोनों पति पत्नी मिलकर यदि भगवान का स्मरण करें। हाँ रोज सवेरे जल्दी उठ जाओ पति पत्नी और ठाकुर जी का स्नान। हाँ पानी पत्नी लेके आए तो पति परात तैयार कर लो, भगवान जी को स्नान कराओ। ऐ पत्नी पति ठाकुर जी को थाली पर बिठाए तो पत्नी ऊपर से जल डाले तो पति ठाकुर जी को घिस घिस के नहलाए। मतलब भगवान की सेवा दोनों लोग करो, पति पत्नी मिलकर करो, फिर देखो आपका घर क्या होता है, स्वर्ग हो जाएगा भगवान। इसलिए दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों जब ठाकुर जी की आरती उतारो तो दोनों हाथ लगाओ आरती में और प्रेम से दोनों जन गाओ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा,
तुम बिन और ना दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। रोज दोनों जन आरती करो, बच्चे हैं तो बच्चों को भी बिठाओ और प्रेम से आधा घंटा बच्चों के साथ पत्नी पति दोनों मिलके प्रेम से कीर्तन करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इतना कर लो साहब आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। पर आप सब कर लेते हैं, इतना ही नहीं कर पाते। ये जो अहंकार आपने पाल रखा, अकड़, जब तक पत्नी की अकड़ नहीं मिटेगी, पति की अकड़ नहीं मिटेगी, तब तक आपके रिश्तों में मधुरता आ ही नहीं सकती।